पंचायत समिति परिसर में सुबह हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग की, जिसमें सारे पीओज और प्रिंसिपल्स थे, उनके साथ मिलके हमने जो भी विद्यालयों की समस्याएं थी उन सब समस्याओं के बारे में जाना, लिस्टिंग की, और जल्दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्याएं उनको दूर करवाया जाएगा। साथ ही जो कोरोना महामारी का जो वैक्सीनेशन है उसका रेशियो बढ़ाने के लिए सभी को मोटिवेट किया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्कूलों में जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनको प्रेरित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में टीकाकरण करवाएं। साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो चिरंजीवी योजना है, वो स्वास्थ्य योजना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू कैसे किया जाए, तो उसके लिए जो कैंप लगने शुरू 11 अप्रैल से हमारे नवलगढ़ ब्लॉक में हो रहे हैं, उनमें सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उनके बारे में इस योजना का प्रचार प्रसार करें ताकि ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही हम लोगों ने आने वाले समय में ये जो 1 तारीख से प्रशासन गाँव के संग अभियान चलने वाला है, उसके लिए सभी सरपंचों की, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो LDC हैं, हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके साथ भी मीटिंग की है कि इन योजनाओं के साथ साथ उस कैंप की भी प्री तैयारी कर ली जाए ताकि जिस दिन कैंप जिस गांव में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही हमने सामाजिक सरोकार की दृष्टि से आज अलग अलग फेज में सांकेतिक रूप से और सबको निर्देशित किया है कि सभी POs प्रिंसिपल जितनी नवलगढ़ ब्लॉक की स्कूलें हैं 211, उनमें सभी पक्षियों के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया, दाना और पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए पंचायत समिति परिसर में सभी POs और प्रिंसिपल CBOs के साथ हमने मिलके यहाँ परिंडे बांधे हैं और उनके दाने की व्यवस्था की है। इसी तरीके से हमने सारे जो ग्राम सेवक और LDC हैं उनके साथ मिलके भी हमने परिंडे बांधे हैं और दाने की व्यवस्था की है, और उनको भी निर्देशित किया है कि अपने जितने भी पंचायत भवन हैं उनमें सभी लोग मिलके, जैसे सरपंचगण भी साथ हैं, पंचायत समिति सदस्य भी उसमें साथ थे, सारे के सारे लोग मिलके इस तरीके से सारे पंचायत भवनों में पक्षियों के लिए परिंडे और चुगे की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था करेंगे। ये एक मुहिम के रूप में, सामाजिक सरोकार के रूप में हमने एक मुहिम चलाई है ताकि पूरे ब्लॉक में ये पक्षियों के लिए व्यवस्था की जाए और हमारे स्कूलों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों में सामाजिक सरोकार डेवलप किया जा सके। ये इस तरीके की पूरे दिन जो योजनाएं चल रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नवलगढ़ ब्लॉक को हर क्षेत्र में जो सामाजिक और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन सब में एक नंबर पे लाने के लिए पूरी टीम लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है।